गुज़िश्ता रोज डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस तैयब हसन और बादशाहगंज सरगना समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जे से माल मस्कर रुपये में नकदी मोटरसाइकिल कीमती स्मार्टफोन और नजायज असलहा पिस्टल 30 पर बरामद। तर्जमान पुलिस के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सियालकोट अब्दुल गफार के इसरानी की खसूसी हदायत और SDPO DSP सिटी सरगना की जेर निगरानी SHO थाना सिविल लाइन सब इंस्पेक्टर तहसीन मोहसन माँ पुलिस टीम ने जराइम पेशा अफराद और मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ जारी खसूसी मुहिम में अपनी पेशा वराना असलातों को ब्रोए कार लाते हुए और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से डकैती और चोरी की वारदातों में मुलविस तैयब हसन और बादशाह गैंग के मुलजमान तैयब हसन और बादशाह वाल शफाकत अली सकना आडा छबीरपुर सियालकोट मोहम्मद सफियान वाल शोकल सकना आडा सियालकोट मोहम्मद हसीब वाल मोहम्मद रफीक सकना सदरा बदरा सियालकोट नुमान वाल मोहम्मद इरफान सकना छबीरपुर आडा सियालकोट अली रजा वाल मोहम्मद यूसफ सकना छबीरपुर आडा को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी से दौरान इंटेरोगेशन माल मसरूका में नकदी 3 लाख रुपए 2 मोटरसाइकिल कीमती स्मार्ट मोबाइल फोन 6 अदद पिस्टल 30 बोर 4 मुतअद्दद गोलियां बरामद। मुलजमान ने डकैती और चोरी की 19 वारदातों के इंकशाफात किए हैं जिनकी गिरफ्तारी से 7 मुकदमा दर्ज और ट्रेस हुए हैं। मुलजमान से इंटेरोगेशन जारी है जिनसे मजीद बरामदगी अमल में लाई जाएगी। DPO सियालकोट ने पुलिस टीम में मौजूद तमाम अफसरान और मुलाजमान को तरीफी सर्टिफिकेट और नकदो इनाम देने का ऐलान किया है और हदायत की है कि अवाम के जानो माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। मजीद अपडेट के लिए देखते रहें ANN News Live।